सोचा है कि नाश्ते में होना चाहिए आलू वाले पराठे। आलू मैश कर लिए हैं। वो देखें, ये जो सुबह मेकअप करा रही थी ना, जो हमने छुप के देखा, ये शांति प्रिया बनने गई हुई थी। आधी रात को इतना कमर पारा करती जा रही है। दरवाजा खुला हुआ है। कोई है? पता लगे घर पे कोई गुस्सा हुआ। कैमरा में चेक कर लेते, कैमरा में कौन आया अल्लाह। ऐसे ये दोबारा अंदर, ये दरवाजा खुला छोड़ के उसको पीछे अंदर चली गई। ये सारे इसके काम। पीपल वांट योर यूट्यूब चैनल। कॉमेंट्स बड़े करीब 5,000। Welcome to Astrology. This is me, Ikra Kawal. Welcome to another vlog. Welcome to another very beautiful day. आज guys मौसम तो कोई खासा प्यारा है, तो पहले ना प्यारा सा आपको जरा मौसमी रिव्यू देते हैं। ओए होए 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 होए, यहाँ पे आप देखेंगे काले बादल और ठंडे बादल। शुक्र है ये गर्मी के वो बादल हैं जो ठंडे हैं। मेरी नींद बिल्कुल पूरी नहीं हुई और ये हमारे पास जो है ना, ये तोता है, ये सुबह सुबह शोर करता है और तंग भी करता है, बदतमीज कहीं का। क्या मसला तुम्हें? क्या कहना चाहते हो? इन लोगों ने सबने सब्सक्राइब कर दिया चैनल, पता है आपको? सबने कर दिया है, सबने कर दिया है। वो बीज रखे हुए ना यहाँ पे कि मैं आपको क्या बताऊँ, ये देखे इतना ठूसता है, इतना खाता, मोटा फिर भी नहीं होता, ये पाकिस्तानी। अच्छा ठीक है, सॉरी, पागल ही हो जाते लोग। दरवाजा शरवाजा बंद नहीं, खुला रहने देते हैं क्योंकि अच्छी हवा आ रही है और फ्रेश होते हैं। यहाँ जी हीरा मोहतरमा का शूट हो रहा था। ये बाजी को मैंने देखा, शुभ के मेकअप करा रही है। हम उठे हैं तो शुभ के मेकअप हो रहा है तैयार, और इसका गाइस एक शूट है। सुबह सुबह उठते थे, मेहंदी अभी तक उतरी नहीं है। इतनी भी अच्छी मेहंदी ना लगाएं कि बाद में उतरे ही ना, और उतारने के लिए आपको पता नहीं क्या ही है। कोई आप लोगों के पास हैक है मेहंदी जल्दी उतारने का तो मुझको बता दें। चलो इसकी फुल दिखाएंगे। अभी ये तैयार हो रही है, बाल देखें, इसने ऐसे सरसे से धोए ही नहीं है बेचारी ने, लेंथ नीचे गिरा ली। नीचे बारिश पर स्टार्ट हो गई है, लेकिन बूंदा बांदी है, वरना मूसलाधार होती है। पूरी गली हमारी पानी से भरी पड़ी है, बिल्कुल भरी पड़ी है। मेरा नाश्ता कहाँ है? जल्दी आ गई ना आज मैं, अब मैं जल्दी उठ गई हूँ। मम्मा अवार्ड दे दें, एक अवार्ड की जगह एक अच्छा सुथरा बिना फटा पराठा दे दें, निशाने पराठा दे दें। आज प्रॉपर घर पे तशरीफ ला चुके हैं, ये देखिए मेरा प्रॉपर घर, साफ सुथरा घर, और ये मुफ्त की इनकी लव स्टोरी चल रही है। मुझे तो इनकी समझ नहीं आ रही मेरे घर में इतने भालू क्यों, क्या हमारे घर में कोई बच्चा है? सोचा है कि नाश्ते में होना चाहिए आलू वाले पराठे। लेट्स गो, मम्मा को फरमाइश करते हैं। मम्मा को वैसे मैंने कहा था, मम्मा कहती थी मैं आलू रख दूंगी, और मम्मा जो है ना वो अपनी सिस्टर से बतिया रही है, बातें कर रही है। ये देखें जी, ये मम्मा ने आलू मैश कर लिए हैं, मिर्च डाल ली है, धनिया डाल लिया है, दड़ा वाला मिर्च डाल लिया, नमक भी डाल लिया, और अब जो है ना वो इसके अंदर मजा दुबाला करने के लिए लेमन डाला जा रहा है। मैंने सोचा था मैं खुद बनाऊंगी, लेकिन मेरी अम्मा ने कहा तू निकल, सबके पराठों में सबका पेट खराब करेगी। ये एक अदद लड़की यहाँ पे उठ चुकी है, और पता नहीं क्या ग्रोसरी अभी उठ के आई हो। मम्मा को कोई मदद करवाता है इंसान नहीं। इसका चैनल बन गया, इसने मेरा सर खाना शुरू कर, खाना शुरू कर दिया, और इसलिए मोटी होती जा रही है। शुक्र है क्योंकि उसमें आलू थे जो कि मेरे फेवरेट हैं। आलू ने मेरी जान बचा ली है, आज आज मैं खाऊंगी। ये नहीं पता फटा जो इतना मुश्किल था। हाँ, और ये देखो साथ में हम खाएंगे योगर्ट विद ज़ैनब। राबिया नहीं उठी है, डांट पड़ रही है। राबिया, मम्मा ने इतने मजे के आलू के पराठे बनाए, उठ जाओ। खुद तंग होती है, हमको भी तंग करती है, इनकी वजह से लेट नाश्ता मिलता है हमको। मम्मा कहती है सब उठ जाएंगे, सिर्फ इस मोहतरमा उठी है तो नाश्ता मिलना स्टार्ट हुआ। नहीं मम्मा, फातिमा का ठेका भी तो नहीं मैंने लिया यार, वो सब सो रही हैं। वो देखें, ये जो सुबह मेकअप करा रही थी ना, जो हमने छुप के देखा, ये शांति प्रिया बनने गई हुई थी। हाय अल्लाह, आया है तो जैसे खोया, मैंने इतने टाइम के बाद रेड लिपस्टिक लगाई। तुम पता क्या लग रही हो इस वक्त? पता नहीं क्या, लोग कमेंट में बताएंगे, कमेंट में बता दे क्या लग रही हूँ, क्या झिनचुड़ैल लग रही है। झिनचुड़ैल नहीं लग रही, मुंह उधर करो अपना। हाँ अच्छा लग, एक मिनट एक मिनट, शांति प्रिया का पजामा देखें गाइस। गोबर वाली है, हीरा ये है शकल से।
अब जा रही है चेंज करने, जाओ तुम अपना शूट करो जाके। फूलों वाली सरकार। हम लोगों ने नाश्ता वाश्ता भी कर लिया था और इधर इसको देखें जरा, गिटार सीख रही है ये मेहमोतरमा राबिया और राबिया की गिटार क्लासेस। अब मुझे अपने काम निपटाने हैं फटाफट और मैं बस वही करने लगी हूँ क्योंकि मुझे जो है ना वो मम्मा से डांट पड़ जानी है। गाइस यहाँ मेरा एक अदद गिटार पड़ा होता था जो कि ज़ैनब मोहतरमा चोरी करके नीचे ले जा चुकी है और उस पर कब्जा कर चुकी है। कपड़े चाहिए। तुम हमेशा मांगने आती हो मेरे कमरे में? यार मुझे कुछ मिला, कितना प्यारा ब्रश है ये तो मुझे दो। अच्छा जो चीज प्यारी है वो तुम्हें दे दूं, वापस दे दो नीचे नहीं तुम लेके। अबे मेरी आधी से ज्यादा चीजें तुम्हारे कमरे में मिलती हैं मुझे। कपड़े दिखाओ मेरा। अबे मेरे कमरे अलमारी में तो मेरी थी, यहां क्या कर रही है? क्या ये चोर? तुम किस खुशी में मुझे चोर कह रही हो? हैं अबे ये वाला ड्रेस मैंने पहना था ईद के सेकंड। अरे मुझे तो पता ही नहीं यार, क्या खबर दी आपने? ये वाला पहना था मैंने ज़ैनब की बर्थडे। चलो अब इनके कपड़े नहीं सिलेक्ट हो रहे हैं। मैं अच्छा भला काम करके समेटती हूँ चीजें, मैं अपना कमरा समेट के रखती हूँ लेकिन उसी टाइम ना मेरी बहन को अटैक कर देती है कि भाई आप सफाई कर ही क्यों रहे हो? राबिया बस कर दो, बस कर दो, नहीं करना बस। बिल्कुल सूट नहीं कर रहा, बिल्कुल प्यारा नहीं लग रहा, ये सिर्फ मेरे ऊपर अच्छा अभी लगा देखा है, प्यारा लग रहा है कि नहीं लग रहा? ये सिर्फ मेरे ऊपर अच्छा लगा था, मुझे पता है। इसके तो लेकिन गर्मी बड़ी लगेगी यार। हाँ लेकिन मैंने इसके नीचे व्हाइट वो पहना था टॉप, व्हाइट जीन्स। हाँ व्हाइट जीन्स पहने थे। राबिया ने अपना फोन चार्जिंग पे लगाया, बट ये किसने खाया? मैंने। तो ये मोहतरमा बस कर दो राबिया मेरी ये चीज है, आधी रात को मुझे भूख लगती है तो मुझे एक तो मेरी ये बहन कसम बहुत खाती है, एक तो मुझे सुताने के लिए। तुम्हें नहीं गिराऊंगी, तुम्हें नहीं गिराऊंगी चोर। आप भी आज खा रहे हो कितनी कंजूस हो गई, आप अगले घर जाके याद करो कि मुझे आप, ठीक है? अच्छा अगले घर हमें याद करें कि राबिया कैसे आती थी मेरे कमरे में। अबे मेरे पास कुछ नहीं है, तुम अब मैं आपको दिखाऊंगी इसने हरकत क्या की। इसने वो शर्ट निकाली है, देखें मुझे कह रही कमरे से जाओ, दिन में कह रही कमरे में रहो, यही है आपका प्यार, मुझे पता है। अबे मुझे इस वक्त इतनी नींद आ रही है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती हूँ। देखो मुझे स्कल्स देखेंगे शक्ति नींद आ रही, बात सुनो लाइट बंद करके जाना। एकदम से मेरी खिड़कियां और दरवाजे बज रहे हैं क्योंकि मौसम शायद थोड़ा सा खराब हुआ है, तो मैंने सोचा कि मैं अभी बाहर जाके थोड़ी वॉक शॉक करती हूँ। आँख खुल गया, मैं थोड़ी देर फोन यूज किया, सब लोग सो रहे हैं। आधी रात से इतना कमर पारा करती जा रही है, उस परिंदों की आवाज आ रही है, ज्यादा ही बोल रहे हैं। कितना खूबसूरत आसमान है, कोई है? घर का दरवाजा खुला हुआ है, मुझे लगता है शायद पापा उठे होंगे, जाके देख के आते हैं। बाहर आप गई थी? नहीं। दरवाजा खुला हुआ है बाहर का। पापा दोनों सो रहे हैं, गिलास अपना ऊपर है, हैरत वाली बात है यार। कोई है? पता लगे घर पर भी गुस्सा हुआ है। उठ के पापा को बताऊंगी कि आधी रात को अगर मेरी आंख ना खुली, आधी रात को सुबह हो ही गई है, अब तो फजर पड़ के ही सोऊंगी। दरवाजा खुला हुआ था यार, सुबह उठ के वाट लगवाऊंगी। सैना मोहतरम अभी तक नहीं सोई है, ये मेरी नींद ही उड़ गई है। मुझे जिम से डर लग रहा है कि दरवाजा क्यों खुला हुआ, खुदा ना खास्ता घर पर कोई गुस्सा था। सुबह उठ के मामा और पापा को बताऊंगी कि चेक करें कि दरवाजा लास्ट टाइम कौन आया था और किसने खुला छोड़ा था, उसकी कल वाट लगाऊंगी। The next day. Good morning. मैं उठ चुकी थी और आपको पता है कि रात को क्या हुआ, मैं उठ के तैयार व्यार हो चुकी थी, दिन मेरा शुरू हो चुका है लेकिन मैं बहुत सुस्त हुई हूँ। मुझे वाट लगवानी है किसी की, आपको पता है रात को दरवाजा खुला रहा है तो वो कुछ भी हो सकता था, अगर तो नीचे डैडी हुए तो मैं इन सब बहनों की अपनी वाट लगाऊंगी और देखेंगे ये क्या सीन हुआ है। ये लोग भी उठ चुकी हैं। तुमसे रात को पूछ के गई थी मैं, क्या कि दरवाजा खुला हुआ था रात को, तुम्हें पता है रात के इसी चक्रों में मुझे सही से नींद नहीं आई है। क्यों? क्योंकि दरवाजा खुला था यार। अच्छा मुझे नहीं पता, बकवास ना करो, रात को तुमसे मैंने खुद पूछा। नींद जी आदी है, मैं नींद में होंगी। ये नींद में क्या तुम भूल जाती हो? पापा आएंगे, मैं पापा को ही बताऊंगी। यार हमारी तो गलती है, मैं थोड़ी खोला, पता लग जाएगा। पापा आते हैं, पापा को बताते हैं, मैं देखती हूँ पापा घर ही हैं। पापा जी, वालेकुम अस्सलाम। पापा जी, रात को दरवाजा खुला हुआ था, ये मेन दरवाजा घर का। रात को 4 बजे मैं उठी हूँ, मेरी आँख खुली है, मैं बाहर गई हूँ तो वहाँ दरवाजा खुला हुआ।
मुझे नहीं पता, मैं सबसे पूछ रही हूँ, आप पूछे ना सबसे, क्योंकि मैंने रात को जो है ना वो आपको उठाया नहीं, आप सोए हुए थे, मैंने बंद कर दिया था सारा, देखा गाड़ी शाड़ी सब अपनी अपनी जगह पे खड़ी हुई है। मैं जब कल निकली ना 11:30 मैं घर के अंदर थी, दरवाजा बंद नहीं किया था, कैमरा मुझे पता लग गया, वो कह रही है कि मैं आई थी फातिमा मेरे पास आई, कैमरा में चेक कर लेते कैमरा में कौन आया लास्ट टाइम, देखे जरा कब से खुला हुआ है ये, देखे कब से खुला हुआ है तब तक कैमरा में देखे, हर दफा लग गया, पिछले हफ्ते इसने खुला छोड़ा था, अभी एक चोर आएगा तो तुम्हें आके मारेगा, ठीक है, मैंने पांडू चोर आ जाएगी घर में, तुम डर जाओ, मैंने खोला था, हॉरर स्टोरी, परेशानी वाली बात है, मजाक वाली बात नहीं है, तुम लोग मजाक में डाल रहे हो, ये पहले ज़ैना नंबर एंटर हुई है, हाँ, और उसके बाद थोड़ी देर बाद फातिमा दरवाजा खुला, जी गई दरवाजा खुला हुआ, कौन गई, ज़ैना भी दरवाजा चला गई, उसके बाद आ रही है फातिमा, फातिमा गई लेकिन फातिमा दरवाजा मैंने खुला हुआ, पहले पहले ये अंदर आई है, कितने बजे, कितने बजे ये आई है, 11:30 11:30 बजे अंदर, 11:32 बजे दखल हुई अंदर, अंदर जाके दोबारा वापस बाहर गई है, कौन ये, ये बाहर गई है, और फिर उसके बाद फातिमा अंदर आई है, ठीक है, फातिमा के आदमी छापा चली गई, ये बाहर है, ये बाहर है, ये बाहर है, बाहर से ये दोबारा अंदर आई, दरवाजा खुला छोड़ के उसके पीछे अंदर चली गई, ये सारे इससे काम, उठो अब, और ये दरवाजा सील जो है ना, ये 4 बजे के करीब जाके आप नीचे आए हो, हाँ, और आपने बंद किया 4 बजे, हाँ, 4 बजे के 10 मिनट दरवाजा बंद हुआ, क्या 11:30 का दरवाजा खुला हुआ, 4:30 बंद हुआ, तो मैं तो सोए सारे सोए, इसका क्या फायदा, जब जैसे कल नहीं आती बाहर की चीज लेने के, तो कम से कम दरवाजा बंद करके आए ना, गाड़ी की चाबी लेके बाहर गई हो चीज निकालने के लिए, और वहाँ वापस आई दरवाजा खुला, दरवाजा जब भी बाहर जाना है दरवाजा बंद करके आना बेटा, इस रात को टाइम सारे सोए दरवाजा तुम्हें खुला जोड़ा हुआ, जानवर अंदर आ सकता है, कुछ और आ सकता है, इंसान सारा घर खुला होता है, दो चार तुम भी लगाओ, हाँ जी डांट पड़ी है, कैमरा ऑन था, हल्की आंच में डांट पड़ी है, मानना ही नहीं था, शुक्र है वैसे कैमरा था, इसने तो बिल्कुल नहीं मानना था, इल्जाम सारा फातिमा पे लगा रही थी ये आपकी छोटी बेटी जो भी इस वक्त, नहीं नहीं राबिया नहीं थी कैमरे में, राबिया सबूत में नहीं आई है, प्यार करूं दरवाजा खोलने पे ताकि हर मम्मा वो, लेकिन देखना चाहिए था ना यार, मुझे किसी ने शाबाशी दी कि मैंने दरवाजा रात को उठ के बंद किया, हाँ समझदार बेटी हूँ मैं अपनी अम्मी की, अपने अब्बू की, डांट वांट तो उनको पढ़वा दी थी, मैंने व्लॉग अपलोड कर दिया था, और अभी जब मैंने अपलोड करके मैं कॉमेंट्स पढ़ने बैठी हूँ ना यार, लिटरली 5,000 कॉमेंट आ चुके हैं कि अरीब को भी अपना चैनल बनाना चाहिए और अरीब को भी एक व्लॉग बना के अपलोड करना चाहिए, मैं करने लगी हूँ, अरीब कह रहा था 50 हो गए ना कमेंट्स, तो मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा, तो अभी कितने आए, 5,000 रिंगिंग, हेलो अस्सलाम वालेकुम, सलाम, क्या हाल है, क्या हाल है, मैं भी ठीक, पीपल वॉन्ट योर यूट्यूब चैनल, कॉमेंट्स बढ़े, इकरा से 50 कमेंट भी आ जाए ना तो मैं व्लॉगिंग करूंगा, मैं अपना चैनल बनाऊंगा, अब जरा चेक करो जाके और मुझे बताओ कि कितने कमेंट्स आए, अरे 5,000, कैन यू इमेजिन, सीरियसली मैं मजाक कर रहा था, मैं कोई कर रहा, अरे ये क्या, हो आपको ना मैंने सबके सामने चैलेंज दिया तो समझ आइए, मेरे साथ ड्रामे ना लगाए कि मैं मजाक कर रहा था, अरीब को लगता था व्लॉगिंग बहुत आसान है, मैं बेसिकली राबिया को बता रही हूँ, कह रहा व्लॉगिंग दिख रहा बहुत आसान है, एडिट करेंगे ना मजा आ जाएगा, किसी ने कमेंट करके ये भी कहा है कि इकरा या अरीब भाई को आपने लूट लिया है, आप जो है वो ये चैलेंज करें कि अरीब आपको जो भी बात कहे आप उनको यस कहो, वाह वाह वाह, मैं कहा पागल थोड़ी, आपके पास ना सिर्फ 2 दिन है समझ आइए, तो आपके पास अरीब सिर्फ 2 दिन मैं आपको कह रही हूँ, 2 दिन बाद व्लॉग ना ना आया, कहो इकरा कवल 2 दिन बाद व्लॉग आपकी नजर के सामने, तंग कर रही हूँ उसको, पता नहीं अल्लाह करे अच्छे से बना ले, लेट्स सी क्या होता है, मेरा दिन तो हो चुका है जी खत्म इसी बात के साथ, तो इंशाल्लाह आप लोगों से मेरी मुलाकात होगी अगले व्लॉग में, अभी मुझे बहुत सारे काम करने हैं, बहुत सारी चीजें निपटानी है, तो आप लोगों से मैं मिलूंगी अगले व्लॉग में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।